हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका साइयाट से और आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। तो इसके लिए मैंने थिक दही ले लिया है। अगर दही बहुत थिक नहीं है तो इसको हम एक पतले से कपड़े में थोड़ी देर के लिए इसको कहीं पर रख देंगे और उससे जितना भी पानी निकल जाएगा वो दही हमें यूज़ करना है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी है मैंने, गरम मसाला ये सारी छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं, जीरा, भुना जीरे का पाउडर है ये, और एक चम्मच कसूरी मेथी। ये इस तरह से बहुत अच्छी सी खुशबू देती है। और ये काला नमक ऐड कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो सिंपल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। थोड़ा इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आप चाहे तो जिंजर को वैसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। ये बेसन है जो 4 चम्मच लिया है मैंने। बेसिकली ये जो पेस्ट है ये दही और बेसन के साथ मसालों के साथ ऐड करके बनता है। काली मिर्च पाउडर, इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और मिक्स करने के बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और अब आधे घंटे के बाद मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। अब इसमें मैं एक नींबू ऐड कर दूंगी, नींबू का रस। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल को हम बहुत अच्छे से पका लेंगे, मतलब इसमें धुआं निकलना चाहिए, उस स्टेज तक हमें ऑयल को गर्म करना है। ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। अब इसमें ये देखिए कितना अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है। 2 बड़ी चम्मच ये ऑयल को ऐड कर दिया है इसमें। इससे बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है, एक बहुत ऑयल का कच्चापन तो निकल चुका है पकने के बाद और ये पूरा बन जाता है और एक बहुत अच्छी सी स्मेल भी आ जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ये देखिए कलर भी इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये ऑयल को बहुत अच्छे से इसमें पूरे पेस्ट में ऐड कर देंगे हम। और अभी आप चाहें तो टेस्ट करके भी देख सकते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है। ये ऑनियन, कैप्सिकम एंड पनीर को ले लिया है और इनको मैंने एक क्यूब में कट कर दिया है। आप चाहे तो टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टमाटो का जितना भी जो लेयर है सिर्फ टमाटो की लेयर ही हम यूज़ कर सकते हैं। अंदर के जो बीज और जितना भी उसका पार्ट होता है वो हम सभी अलग करना पड़ेगा। तो ये सब हम मसाले में डाल देंगे सारे पीसेस को। और फाइनली हाथों से ही अच्छा से ही मिलता है, तो हाथों से जितनी भी हमने वेजिटेबल्स या पनीर डाला है उसको अच्छे से कोट कर लेंगे, मतलब किसी भी पीस के चारों तरफ बहुत अच्छे से मसाला लग जाना चाहिए। देखिए ये हर तरफ मसाला इसमें लग चुका है। तो ये है, ये पनीर टिक्का स्टिक है, तो इसमें हम इस तरह से इसको लगा देंगे। ये मार्केट में बहुत ईजी से मिल जाती हैं, और बैम्बू स्टिक जो होती है ना वो ज़्यादा ठीक नहीं होती है, वो कलर भी छोड़ देती है और वन टाइम यूज़ की होती है। तो अगर आप पनीर टिक्का के शौकीन हैं तो आप इस तरह की स्टिक ले लें, या हम इसको नॉन स्टिक पे भी फ्राई कर इस तरह से सेक सकते हैं, तो उस तरह से भी मैं दिखा दूंगी। इस तरह से वेजिटेबल्स के साथ में पनीर को हमने स्टिक में लगा रहे हैं। हम इसी तरह से हम आराम से सब लगा देंगे। अच्छे से मसाले में कोट करते हुए और
पनीर टिक्का एक बहुत अच्छा सा एक स्नैक्स है, क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं हो रहा है, और इसी तरह से जैसे होता है ना रोस्ट करके हम एक तरह से पनीर को ले रहे हैं, तो ये हमारी स्टिक तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरी स्टिक भी तैयार कर लूँगी। ये स्टिक तैयार हो गई है। अब अगर हमारे पास स्टिक नहीं है तो हम ऐसे नॉन स्टिक पैन में इस तरह से सब कोट करके पेस्ट को और वेजिटेबल्स और पनीर के साथ हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। ये इस तरह से हमने लगा दिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। फुल फ्लेम पे गैस है तो इस तरह से बिल्कुल नीचे नहीं रखेंगे, हाथ को घुमाते भी, क्योंकि पीछे बैम्बो लगा हुआ है तो इजी से पकड़ा जा सकता है ये स्टिक को, तो इसको हम घुमाते हुए इस तरह से सेक लेंगे और इसमें सारे मसाले हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। और अगर आपको आलू पसंद है तो आलू भी को भी इस तरह से हम रोस्ट करके खा सकते हैं इसमें, या ऐड कर सकते हैं पनीर के साथ। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से कलर आ रहा है, जो पता चल रहा है कि ये पूरा अच्छे से हमारा पनीर टिक्का सिक गया है। अब इसी तरह से देखिए गैस की फ्लेम को स्लो करके मैं नॉन स्टिक में भी कर लूँगी, और ये हम स्लो पे ही करेंगे, और कुछ ड्रॉप हम ऑयल की इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ग्रीस हो जाता है तो बहुत अच्छे से इसको अल्टा पलटा भी जा सकता है। तो इस तरह से भी अगर स्टिक नहीं है, हम इस तरह से भी पनीर टिक्का और वेजिटेबल्स को ये फॉर्क की मदद से अलट पलट के बन जाता है। तो अभी हमारा पनीर टिक्का तैयार हो गया है। ये देखिए ग्रीन चटनी, और ये कुछ लच्छे में हमने प्याज को कट कर लिया है, जिसमें नींबू और चाट मसाला ऑनियन में लगा दिया है, और ये पनीर टिक्का हमारा तैयार है। तो हम इसे सर्व कर देते हैं, ये नाइफ से कर देंगे, अभी गर्म ही है ये, और गर्म गर्म ही टेस्टी भी लगता है। ये इस तरह से हम इजी से निकल जाता है, निकाल देंगे। ये हमारा पनीर टिक्का तैयार है। चाहे तो हम इसे ऐसे ही, या हम थोड़ा सा नींबू इसमें कुछ ड्रॉप ऐड कर देंगे, जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, और ये हमारी एक कंप्लीट पनीर टिक्का डिश तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट्स एंड शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।